नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ नरेंद्र कुमार शुक्ला। खबर रीवा से है, जहां जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले चौरा ग्राम पंचायत में वर्षों से अधूरी पड़ी नाली जानलेवा साबित हो रही है। बीच बस्ती में अधूरी नाली खोद कर छोड़ दी गई, ना तो नाली पक्की की गई और ना ही उसे बंद किया गया, जिसके चलते कई बार जानलेवा साबित हो चुकी है। बताया जाता है कि उक्त नाली निर्माण कार्य तो अधूरा है, लेकिन पैसा पूरा निकाला जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी नाली में गिरकर पहले भी एक मासूम की जान जा चुकी है। आए दिन दुर्घटनाएं घटित होती हैं। आप भी देखिए किस तरह से अधूरी नाली जानलेवा साबित हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सरपंच सचिव से शिकायत करने पर उनके द्वारा कहा जाता है कि उन्हें प्रभार नहीं मिला है, जबकि उक्त नाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अब नवनियुक्त सरपंच सचिव अपना पल्ला झाड़ते हुए प्रभार न मिलने की बात कह रहे हैं। वहीं जनपद स्तर के अधिकारियों भी शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उक्त अधूरी नाली को पूर्ण करने के साथ साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत रीवा मंडल के अंतर्गत बनकुइया सर्किल के चौरा गांव की बात है। अभी आज ये पिछले पंचवर्षीय में ये नाली खोदी गई थी यहाँ पर, और ये इस पंचवर्षीय तक अभी बनी नहीं है, जिसमें आज मेरा ये भतीजा नाली में गिर गया था और उसके चोट भी लग गई है। और ये नाली है यहाँ पर जो है, तो लिखित में सेक्रेटरी और सरपंच को लिखित में दिया भी गया है, पर वो लोग जो है तो उस लिखित जो पत्र भेजा गया था उसको फाड़ दिए। वो बोले कि हमारे उसमें नहीं आता, ये पुराने सरपंच किए थे, वो लोग जानेंगे, उनकी शिकायत करिए। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई गई है 25 जनवरी को, जो शिकायत नंबर है 2075-31-93, पर वहाँ से भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पर जो है तो बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त जगह है, और बच्चे रहते हैं हमारे घर के बगल में ही है, तो यहाँ पर बच्चे घूमते रहते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत सीमेंटेड कर दिया गया है और कुछ राड भी निकली हुई हैं, तो इसलिए जो है तो ये पूरी नाली जितनी भी है चौरा गांव के रोड के किनारे जितनी नाली बनी है पूरी खुदाई हो गई है, इसमें कुछ किया नहीं गया है। हमारे वार्ड में नाली नहीं बनी, यहाँ नाली बनी रही थी, अब हरा बनी है। छोटे छोटे लड़का बच्चा गिर जाते हैं, इनकर कोनो कार्रवाई नहीं हो रही, ये ना नाली के और ना ऊपर ना नीचे कोनो शासन प्रशासन नहीं सुनाई दे सुन रहा। पक्की आए ना कच्ची नहीं आए, कहाँ कुछ नहीं आया, नाली चोरी हो गई है, बहरा हो गया है। मैं मंगू सरपंच है मेरे ग्राम चौरा के, या कहा था हम अबे कारभार पद पोस्ट पौबे नहीं बहन सुषमा सोनी है, और आदरणीय महोदय सबसे नम्र निवेदन है कि आए के एक कार मुआयना करें, एमा ध्यान दें, कार्रवाई करें थोड़ा। ये नाली पक्की बनाया जाए सरपंच के द्वारा, खनवा जाए, कच्ची खनवा दिन गया, छोड़ दिन गया, पैसा का निकल गया है। नाली दो साल पहले बनी है, सरपंच पैसा खा ली, पैसा निकल गया था। ये सभी लोग जो है तो उस टाइम में उपलब्ध थे जब ये बालक जो है तो गिर गया था नाली में। और सबसे बड़ी बात विशेष तो ये है कि रिकॉर्ड में नाली जो है तो कंप्लीट दिखाई दे रही है कि पूरा बन चुका है, पर यहाँ पर ये हालत है। इस तरह से पूरी नाली जितना भी ग्राम पंचायत चौरा में रोड के किनारे, इसी तरह हर घर के सामने जो है तो यही समस्या है। एक मेरा भतीजा जो है ऐसे ही पानी में डूबने के बरसात में नाली के कारण ही खत्म हो चुका है, उसका पीएम रिपोर्ट भी हमारे पास है आए दिन। हाँ, ये नाली पूरी अधूरी बनी, इसको कई बार सरपंचों द्वारा शिकायत की गई कि इसको बनवा दिया जाए। इसमें एक पिछले दो साल करीब हो रहा है ना, जो खत्म था कई दो चार पाँच साल पहले, एक इन्हीं का बालक इन्हीं के परिवार का इसी गड्ढे में गिर के खत्म हो गया। इतनी लापरवाही, सरपंच कहता कि मेरे को अभी कोई चार्जर नहीं मिला है, सेक्रेटरी कहता मेरे को चार्ज नहीं मिला तो मैं काम नहीं करूँगा।